ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी मैं फ़िलहाल मैं अभी दार्जिलिंग में हूँ और मैं मेरे दोस्त के घर पर यहाँ पर रुका हुआ हूँ और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सा रूम दिया है। और इधर आने के बाद में बहुत थोड़ा ठंडी है और ठंडी होने के बाद में इधर जब हमें आज सोया पूरी रात भर, और ये हमारा रूम है, इसमें ये इतना सारा कंबल हमें ओढ़ कर सोना पड़ता है तभी जाके ठंड रुकती है। इधर ये हमारा झाड़ू है जिससे ये इधर ही यहाँ पर ही उत्पादन इसका होता है। तो ठीक है, आप ये देख रहे होंगे ये एक झाड़ू है और इस झाड़ू ये कैसे उत्पादन होता है और इसका पौधा कैसा होता है, इसका पेड़ कैसा होता है, तो उसके बारे में हम आपको बताने के लिए जाएंगे। और ये सबसे पहले जब पौधे से कैसे निकाला जाता है और कैसे उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद में उसको कैसे रखा जाता है और कैसे बनाते हैं उसको, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग आ पहुंचे हैं हमारे जो ब्रूम का प्लांट होता है उसके पास में, और ये आप लोग देख रहे होंगे ये जो ब्रूम का प्लांट होता है तो इसको यहाँ से कैसे इसको निकाला जाता है भाई? इसको टनना पड़ेगा, टनना पड़ेगा, थोड़ा जोर से खींचना पड़ेगा। हां, इसको हम लोग ऐसा करके निकालें तो ऐसा ऐसा निकल के आएगा। ये अभी कच्चा वाला है ना, हम लोग इसको ऐसे करके काटते हैं, ऐसे करके काटते हैं। और इसका जो पत्तियां है मक्का जैसा दिखता है लेकिन ये मक्का नहीं होता है। ये कटा हुआ है जो बहुत शार्प होता है, तीखा होता है, अगर हम लोग ऐसे नहीं पहनेंगे तो ऐसे ही हाथ में कटा हुआ है, हमारा भाई उसी तरह से कट भी सकता है, इसके लिए बहुत सावधानी से इसको काटना पड़ता है। ये इतना ब्रूम होता है जो इसको अभी हमको धूप में सुखाना पड़ता है, अभी अभी तक रेडी नहीं हुआ है। और अभी जो उसको हम लोग काटेंगे अभी आपने देखा होगा कि ब्रूम निकालने के बाद इसको भी काटना पड़ता है, इसको हम इसीलिए काटते हैं ताकि जब पड़ता है अच्छे से नए नए खिल कर आता है, नया नया प्लांट निकलता है। झाड़ू को पेड़ को काट के हम ले जाते हैं। अभी हम घर पर पहुंच चुके हैं और जो हम निकाल के लेकर आए हैं जो ब्रूम का जो प्लांट्स है उसको अभी हम उसको बकरी को दे रहे हैं। ये हमारी बकरियां हैं और उनको ऐसे करके दिया जाता है। पत्तियों को हम गाय और बकरी को खिला चुके हैं और जो ब्रूम का हम इसको सुखाएंगे। ये सूख जाने के बाद में इस तरह से बहुत सारा हो चुका है, ये इस तरह से बनाते हैं।